वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम लोग वापस से जा रहे हैं कॉलेज, और कॉलेज जाते हुए वापस से वही डेली वाला जो रास्ता है, डेली जो रूटीन है हम लोग का, जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं। अभी फिर से हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया है यहाँ पे जीने से, और हम लोग कम से कम नहीं भी तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा हम लोगों को जो घूम के ऐसे वापस आना पड़ता है, वो हम लोग डायरेक्ट यहीं से चले जा रहे हैं अब। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे कैसा है और आज का दिन कैसा जाता है, कहाँ अगर कहीं यूनिक जगह जाएंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट। बाकी आप सभी देख सकते हैं यहाँ रास्ता, अभी जो है वो पीछे से यही वाला रास्ते पर हम लोग आते, पूरा अगर घूम के जाते तो वापस यहीं आना है। तो शॉर्टकट जो था उसी का यूज़ किया, सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ चलते चलते वैसे भी हम लोग की हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि जो रोड है वो थोड़े चढ़ान के तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ से, इसलिए। और बाकी आप सभी देख सकते हैं किस तरीके का है खाड़ यहाँ पे। अभी एक बार फिर से जो डेली पड़ता है हम लोग को ये, और ये ऊपर से आ रहा है पानी। अभी आगे हम आपको जाके दिखाएंगे कि ये जो पानी है ये किस साइड से आ रहा है यहाँ पर, और ये पहाड़ों के बीच में भी आप देख सकते हैं जो घर वगैरह हैं वो दिख रहे हैं, बने हुए हैं, अच्छे खासे हैं, यहाँ पे घरों की कोई कमी नहीं है। और वो ऊपर स्टेडियम की लाइट, और ये आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो उधर से आ रहा है और इधर वो जा रहा है, लेकिन आज पानी थोड़ा कम है पहले के कंपेरिजन में ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर आए हैं और इस थोड़ा ऊपर आए हैं नीचे से हम लोग, और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा एक व्यू आ रहा है, हम जस्ट सामने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये पहाड़ों के ऊपर जो बादल दिख रहे हैं, ये दरअसल पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उन्होंने पूरा घेर रखा है। और ये देखिए तो ऐसा लग रहा है ज़मीन पर टच हो रहा है ये वाला जो बादल है। एक्चुअली यहाँ पर बादल की वजह से हो सकता है कि आपको पूरा क्लियर ना दिखे, और ऐसा ही है यहाँ पे ज़्यादातर जो बादल है वो बड़े बड़े जो पहाड़ उसको ढक के रखते हैं, ख़ास तौर पे इस बारिश के मौसम में। फ़िलहाल हम चलते हैं आगे क्लास की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स अगेन, इस ब्लॉग में आपका वापस से स्वागत है। और अब वापस से शाम हो गई है, कॉलेज में जो क्लासेस मेरी वो सभी ख़त्म हो गई हैं, यूनिवर्सिटी की जो मेरी क्लासेस थी आज की। और अभी मैं वापस जा रहा था, फिर से मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ किस टाइम के कैसा लग रहा है व्यू धर्मशाला। ये जो है ये दाढ़ी रीजन है, ये जो इलाका या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे जो ये दाढ़ी वाला जो एरिया है उसको कह सकते हैं जो नीचे है, और धर्मशाला ऊपर का है पूरा, प्योर धर्मशाला कहें तो ये स्टेडियम है ऊपर। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने रूम की तरफ। और ये जो माउंटेंस ये आप देख सकते हैं इस टाइम पे कैसे लग रहे हैं, अभी भी हमेशा की तरफ जो क्लाउड्स हैं वो आपको नीचे ही दिखेंगे, माउंटेंस ऊपर थोड़े थोड़े हैं। और इधर भी हर तरफ लगभग वही हाल है, और ग्रीनरी तो क्या ही बताएं, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पे। तो ग्रीनरी के बारे में तो कोई टीका टिप्पणी करना बनता नहीं है, क्योंकि ग्रीनरी तो हर तरफ यहाँ पे पूरी तरीके से फैली हुई है। वहाँ जो प्लेन इलाके होते हैं जैसे हमारी तरफ होते हैं वैसा नहीं है, जहाँ आमतौर पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने घरों में पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा भी नहीं देखा। यहाँ पे हर तरफ, यहाँ तक कि जो लोग हैं जो नेचुरली आपको दिख रहा है वो तो है ही है पूरा आगे पीछे, इसके अलावा भी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने अपने अपने घरों में लगाया हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और छोटे मोटे नहीं, ऐसे नहीं सिर्फ फूल तो लगाए हैं ये, इसके अलावा भी जो बड़े बड़े पौधे हैं जो पेड़ हैं वो लगाए हैं। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने ही दरअसल इसे खूबसूरत बनाया, इसे हरा भरा बनाया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप इन्वायरमेंट को नहीं कह सकते कि पहाड़ी इलाका है इसीलिए ऐसा है। पहाड़ी इलाके तो फिर वो जो माउंटेन्स और जो रॉक्स होती हैं वो भी तो वो पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रीनरी यहाँ के लोगों की वजह से शायद जो है हम कहें कि बची हुई है अभी भी। और जो प्लेन इलाके हैं वहाँ पर भी लोग अगर चाहें तो अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं, पता नहीं क्यों जो शहर हैं बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के लोग ऐसा क्यों नहीं करते। अगर वो करते तो शायद वो ग्रीनरी जो आप देखने के लिए पहाड़ों में आते हैं वो शायद आपके अपने खुद के शहर में भी देखने को मिलती। जो ये आप पेड़ पौधे यहाँ पे देख सकते हैं हर तरफ, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लगे हुए हैं, यहाँ के लोगों ने यहाँ की खूबसूरती बचाई हुई है, इस वजह से यहाँ की खूबसूरती आपको अभी भी दिख रही है। हालाँकि सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, डेवलपमेंट के नाम पर हम ना जाने कितने पेड़ काट रहे हैं। और अब ऐसा नहीं है कि अब पहाड़ सुरक्षित है, पहाड़ में भी ऐसा अब जो कमर्शियलाइजेशन है वो देखने को मिल रहा है।
लेकिन क्या ये कमर्शलाइजेशन वाकई उतना इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा जितना हम सोच रहे हैं कि पहाड़ बर्बाद हो जाएंगे, क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो उसके ऊपर मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। आप खुद जानते हैं, आप खुद चाहें तो बता सकते हैं अपने मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप आखिरकार आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी डिबेटेबल है, क्योंकि विदाउट डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हो सकता और विदाउट प्लांट्स तो हम कुछ भी नहीं हैं। बाकी और भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ, शाम का वक्त हो ही चुका है और अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा ब्लॉग में। बाकी मिलता हूँ आपसे अब दूसरी जगह पे, अगर हुआ तो, नहीं तो ये ब्लॉग समझिए आज का एंड। बाकी बाय बाय, तब तक के लिए अगर कुछ मिला मुझे दिखाने लायक तो मैं ज़रूर आपको इस ब्लॉग में डाल के दिखाऊंगा कि क्या रहा।